समालका के रेलवे रोड बाजार में नहीं दिखा भारत बंद का असर, सारी दुकानें खुली रही। वहीं आपको बता दें कि आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश और देश में जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसके चलते समालका के रेलवे रोड बाजार और अन्य बाजार खुले रहे। वहीं समालका की अनाज मंडी तो बंद रही पर और सारी दुकानें खुली रही। वहीं जब इस बारे में किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि वह पानीपत भारत बंद में शामिल होने गए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सारा दिन पुलिस भी मुस्तैद रही और समालका में लोगों ने जमकर खरीदारी की और यहां पर भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। समालका जीटी रोड पर तो वाहन कम दिखाई दिए पर बाजारों में पहले दिनों की तरह लोग खरीदारी करते नजर आए। ये हम भी पानीपत गए थे, समालका भी गए थे, तो भारत बंद करने का सहयोग कराया गया इनको, अपने बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके दुकानदारों को, और हमारा सहयोग दे रहे हैं, सफल रहेगा जी भारत बंद, ऐसी बात नहीं है। मंडी बंद है? हाँ जी, मैं ये नाथ मंडी पूर्ण रूप से बंद है। मैं नाथ मंडी में भी गया था और नाथ मंडी में कोई खरीद नहीं है, और जो आठ जमींदार है वो तो लेकर के आ रहे अपना, और यहाँ पर अपना उतार करके फिर वापिस चले गए, खरीद नहीं है कोई भी। पूरा बाजार तो खुला हुआ है? हाँ, पूरा बाजार, हमने प्रार्थना करी थी अपना किसान ये जो दुकानदार भाइयों से, तो कुछ न बंद भी की, कुछ न वो भी किया, ऐसी बात नहीं, लेकिन सफल रहेगा बात। पब्लिक की आवाज़ भी लग रही है, सामान भी खरीद रहे, आ जा भी रहे हैं। हाँ देखो, मैंने कहा ना पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन सफल रहेगा, ऐसी बात नहीं, कुल मिला करके। बंद का तो जी देखो, यहाँ मैं बाहर तो गया नहीं, लेकिन हमारी जो है ना मंडी में 4 बजे तक जो है ना कोई ना तो बोली होगी और ना कोई तोड़ चाल होगा। पूरा बाजार तो खुला हुआ है? हाँ, बाजार का मैंने पता नहीं खुला कि नहीं खुला। जहाँ तक मंडी का सवाल है, यहाँ किसान तो जीरी लेकर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी की जीरी नहीं बिकी और ना ही कोई तोड़ चाल हुआ। कितने बजे तक बंद रहेगा? 4 बजे तक मंडी। समालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।